जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, मंडला फोर्ट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग के अंतिम सिवनी चौरे सेक्शन में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाया गया और हाई स्पीड लोको ट्रायल करते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन का इंस्पेक्शन किया गया। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर व इसके साथ ही लाइव कवरेज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 22 फरवरी की सिवनी चौरे 33 किलोमीटर के सेक्शन में पहली बार इलेक्ट्रिक लोको दौड़ाकर ट्रायल किया गया। सिवनी चौरे के मध्य पहली बार इलेक्ट्रिक लोको चलाया गया और सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिफिकेशन का लोको ट्रायल करके इंस्पेक्शन किया गया। इलेक्ट्रिक लोको 22 फरवरी के शाम नैनपुर से चलकर पलारी 7:25 पर स्किप करते हुए भोमा 7:35 पर पहुंचा, जहां 2 घंटे 20 मिनट का होल्ट लिया गया। दरअसल सिवनी एसएसपी से ऑर्डर्स लाने में टाइम लगा, ऑर्डर्स के बिना लोको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसीलिए भूमा में लंबा हॉल्ट रहा। लाइव कवरेज देखिए। दोस्तों इलेक्ट्रिक लोको भोमा से 9:55 पर रवाना हुआ और सिवनी 10:32 पर पहुंचा। सिवनी से चौरे के लिए लोको तैयार हुआ व पूजा अर्चन कर 10 मिनट बाद सिवनी से 10:42 पर रवाना हुआ। लाइव कवरेज देखिए। दोस्तों सिवनी से चौरे के मध्य इलेक्ट्रिक लोको हाई स्पीड ट्रायल करते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन का इंस्पेक्शन करते हुए चौरे 11:00 पहुंचा और चौरे में लगभग 37 मिनट का हॉल्ट लेकर 11:38 पर रवाना हुआ और वापस सिवनी 11:48 पर पहुंचा। भोमा 11:58 पर स्किप किया। पलारी 12:10 पर स्किप करते हुए नैनपुर वापस हुआ। दोस्तों इस प्रकार सिवनी से चौरे पहला इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाया गया और इलेक्ट्रिफिकेशन का इंस्पेक्शन लोको ट्रायल करके किया गया। दोस्तों चलिए फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।